हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धु। आज की क्लास जो है डायरेक्ट सीक्वल है लास्ट क्लास का, जो लीनियर इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट क्लास में जो कराई थी वो थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी। आज की क्लास में जो हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन जो है वो काफी ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। सो लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If cars travel in same direction, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? So that means two places hai. Let us suppose wo places hai ye. Aise maine figure bana li A and B. And ye hume given hai ki inke beech ka jo distance hai that is 100 kilometers. Now one car starts from A and another car starts from B at the same time. आपको देख क्या, if the car travels in same direction, they meet in 5 hours. अब same direction जो है उस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है, right? तो वो हमारे पे, हम दोनों तरह से question proceed कर सकते हैं, answer will be same. हमें यहाँ पे अब assume करना पड़ेगा कि किस side को जा रहे हैं, तो मैं उस side को जाने वाला हूँ। अब अगर both the cars are traveling in that direction, तो उन्हें अगर मीट करना है तो दैट मींस यहां से जो कार स्टार्ट हुई है उसको थोड़ा फास्टर जाना पड़ेगा, बिकॉज इट दिस कार हैज टू कवर एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर टू मीट, राइट? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, right? And speed of car starting from B be y kilometer per hour. मैं जरा ये figure को यहां से हटा देता हूं। So this is A and this is B. 100 kilometer is the distance. Now if both the cars are traveling to that direction, that means somewhere here both the cars will meet. So I am assuming कि C is the पॉइंट ऑफ मीट। तो अगर ए वाली कार यहां से चलना स्टार्ट होगी तो यहां पे पहुंची होगी एंड बी वाली कार भी यहीं पे पहुंची होगी, बिकॉज दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दैट्स व्हाट आई हैव अज्यूम्ड। सो नाउ विच कार हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस? ऑब्वियसली द कार विच स्टार्टेड फ्रॉम ए, राइट? तो जो ये वाली कार है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम ए टू सी, और सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम बी टू सी, राइट? दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंट होगा 100 का। व्हाई? बिकॉज दिस कार हैड टू ट्रेवल एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर टू मीट द अदर कार। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट केस इन विच आई एम टेकिंग बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। इन दिस केस मैं डिस्टेंस, क्योंकि हमें मालूम है 100 किलोमीटर इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, तो मैं डिस्टेंस का ही यूज करने वाला हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, यानी जो कार स्टार्ट हुई है ए से, वो ए सी है, और दूसरी कार का जो डिस्टेंस है वो बी सी है। अब दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है दैट विल बी 100, राइट? बिकॉज दिस कार हैज ट्रेवल्ड मोर। नाउ these two are distances. Now, what is the formula for distance? Distance is equal to speed into time, right? So now, what is the speed of the car which has started from A? We have assumed it as x. So इस car की जो first car है उसकी speed है x. Speed into time. तो कितने time के लिए travel हुई है? See, दोनों cars ने 5 hours की journey की है, उसके बाद वो दोनों meet हुई है. So that means टाइम होगा 5, और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड है y और उसका टाइम होगा 5, राइट? नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। वी कैन डिवाइड बोथ द इक्वेशंस बाय 5, सो आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी x माइनस y इज इक्वल टू 20। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। Now second case consider करेंगे। Second case में उन्होंने बोला if they travel towards each other, then they meet in 1 hour। तो
उस केस में सिर्फ 1 आवर की जर्नी करनी पड़ेगी दोनों कार्ड्स को. इरेजिंग इट नाउ. केस टू इज बोथ ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर. नाउ अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो दिस इज ए एंड दिस इज बी. फर्स्ट कार जो है वो कहीं यहां पे पहुंची होगी और सेकेंड कार यहां पे. सो लेट दिस बी द मीटिंग पॉइंट सी. नाउ इन दिस केस दोनों कार्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है कौन सी कार ने, ये बताना मुश्किल है. यहां पे इट वॉज इजी टू लोकेट बिकॉज ये वाली कार जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी. बट यहां पे दोनों कार्स ने डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं, बट ये वाली कार ने ज्यादा किया है. बट कितना एक्स्ट्रा किया वो नहीं पता चलेगा. बट वन थिंग वी नो दैट दोनों का डिस्टेंस इस केस में एड करने पे वी विल गेट 100. Why? Because AC and BC दोनों मिलके 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं टू मीट ईच अदर. नाउ अगेन दिस इज डिस्टेंस एंड द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. नाउ इन सेकेंड केस ये दोनों कार्स को मिलने में 1 घंटा लगा था, 1 आवर. सो टाइम इज 1 एंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार वॉज एक्स एंड दूसरे का भी टाइम 1 ही रहेगा और उसकी स्पीड जो है वो वाई है. Now this will become x plus y is equal to 100. This is our second equation. Now we have 2 equations, so it will be pretty much easy to solve these 2. Bahut hi simple equations aayi hain. To main ise erase karne wala hu. Solving first and second. So first is x minus y is equal to 20. Second is x plus y is equal to 100. स्ट्रेट वे वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, सो x इज कमिंग आउट टू बी 60, राइट. तो x 60 आ गया, यानी कि जो फर्स्ट कार है जो A से स्टार्ट हुई थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है. नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, x की वैल्यू अगर मैं 60 पुट कर देता हूं यहां पे और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 60 जाके माइनस होगा उस साइड पे तो 40. सो दैट मीन्स the car which has started from A is traveling with the speed of 60 km per hour and the car which has started from B is traveling with the speed of 40 km per hour. So I hope aapko ye question samajh aa gaya hoga. Chaliye next question karte hain. Here we are in our next question. Ramesh travels 600 km to his home partly by train and partly by bus. He takes 8 hours if he travels 120 किलोमीटर इन ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. तो रमेश का जो घर है वो 600 किलोमीटर अवे है एंड उसे घर पे पहुंचने के लिए ट्रेन एंड बस दोनों में जाना पड़ता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बस से. सो गिवन है कि 8 आवर्स लगते हैं उसे घर पहुंचने में इफ 120 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग बस से जाए. बेटा रिमेनिंग कितना बचा, टोटल 600 किलोमीटर है. अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से चला गया तो रिमेनिंग बचेगा 480, 600 में से माइनस कर लीजिए तो 480 किलोमीटर उसे बस से ट्रेवल करना पड़ेगा और 120 किलोमीटर उसे ट्रेन से ट्रेवल करना है तो ऐसे में उसे 8 आवर्स लगते हैं. बाकी बताया ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. तो टोटल 600 का डिस्टेंस है, अगर उसमें से 200 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग कितना बचेगा 400 किलोमीटर अगर वो बस से ट्रेवल करेगा तो ऐसे में उसे 20 मिनट्स लॉन्गर लगेंगे. लॉन्गर यानी पहले वाले टाइम से, पहले वाला टाइम वाज 8 आवर्स. सो इन सेकेंड केस इज टेकिंग 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स टू रीच होम इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग 400 किलोमीटर बाय बस. तो हमें फाइंड करना है ट्रेन एंड बस दोनों की स्पीड्स. तो चलिए स्पीड्स हमें मालूम है किसकी फाइंड करनी है तो उसी को ही हम एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी वाई किलोमीटर पर आवर. तो ये दोनों की स्पीड्स हमने अज्यूम कर लिया. नाउ इस इक्वेशन में मेन क्या चीज दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर टाइम.
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज नाउ. देखिए फर्स्ट केस में टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स. 8 आवर्स कब लगते हैं, जब वो 120 किलोमीटर ट्रेन में और रिमेनिंग बस में, रिमेनिंग कितना 480 बस में ट्रेवल करता है, तो उसका टोटल टाइम 8 आवर्स लगता है. तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने पे मुझे टाइम पता चल जाएगा. पहले मैं टाइम फाइंड कर रहा हूं कि ट्रेन में कितना टाइम लगता है उसे, ट्रेन में डिस्टेंस कितना है 120, तो डिस्टेंस 120 अपॉन स्पीड. ट्रेन की स्पीड हमें मालूम नहीं है, वी हैव अज्यूम्ड एज एक्स, तो ये 120 बाय एक्स बन जाएगा. दिस इज द टाइम टेकन इन ट्रेन. नाउ प्लस बस का भी टाइम मिला के टोटल 8 आवर्स गिवन है. तो बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, अगर 120 ऑलरेडी उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 600 टोटल डिस्टेंस है, तो 480 इज द रिमेनिंग डिस्टेंस. तो 480 किलोमीटर उसने बस में ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस है 480, स्पीड ऑफ द बस इज वाई, राइट. तो ये दोनों टाइम कंबाइन करने पे वी हैव गॉट 8 आवर्स. तो 8 आवर्स टाइम लगता है अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग 480 किलोमीटर बस से ट्रेवल करता है, तो 8 इज द टाइम. तो ये आपको समझ आ गया, मैंने टाइम की इक्वेशन बनाई है. ये है टाइम टेकन इन ट्रेन, ये है टाइम टेकन इन बस, दोनों ऐड करके वी आर गेटिंग 8. सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये सॉल्व कैसे कर रही है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है, अभी मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे सॉल्व करना है. ऑल्सो इन सेकेंड केस हमें बताया ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर If he travels 200 किलोमीटर by train, तो second केस में टाइम टेकन इन ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर मैं यूज करता हूं, distance है 200, स्पीड ऑफ द ट्रेन x है, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा अगर 600 इज द टोटल डिस्टेंस, 400 किलोमीटर उसे बस से ट्रेवल करना होगा. सो 400 by y, तो ऐसा करने पे उसे 20 मिनट्स longer लगते हैं. तो यानी कि उसे 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. अब मुझे इसे पूरे को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में नहीं छोड़ सकता हूं मैं इसे. तो देखिए 8 आवर्स तो ऑलरेडी वी हैव, 20 मिनट्स को अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में. नाउ ये कैंसिल हो सकता है, ये बन गया 8 1/3. नाउ टेकिंग एलसीएम 24 प्लस 1 बन जाएगा 25/3. तो यहां पे 25/3 आवर्स में लिख सकता हूं. तो 200x प्लस 400y इज इक्वल टू 25/3. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव दीज टू काइंड ऑफ इक्वेशन, थोड़ी डिफरेंट है इक्वेशन, इनको सॉल्व करने का मेथड अब हम करते हैं. चलिए ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसका आप कोई यूज नहीं है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में हो, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट वेरिएबल के रेसिप्रोकल को ए एंड सेकंड वेरिएबल के रेसिप्रोकल को 1/y को बी. तो ऐसा करने पे ये इक्वेशन जो 1/x है उसको मैंने ए एज्यूम कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा 120a. ऐसे ये बन जाएगा 480b इज इक्वल टू 8. Now we can divide this equation by 8. 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे इसे तो वी आर गेटिंग 15a एंड वी आर गेटिंग 60b इज इक्वल टू 1. सो आई विल हैव टू अज्यूम इट एज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा इजी वे बता रहा हूं. आगे जब आप सीनियर क्लासेस में इसी टाइप की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इनको कर पाएंगे एलिमिनेशन मेथड से. नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पे भी 1/x को मैंने a एज्यूम किया है, तो ये बन जाएगा 200a प्लस 400b इज इक्वल टू 25/3. वीडियो में बैक जाके इजिली दोबारा देख सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 25. ऑल्सो
आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 3 ऑन दिस साइड. पहले अब ये बताइए कि 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 8a. ये 8a बन जाएगा, बट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो दैट विल बिकम 24a. नाउ 400 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं देन आई गेट व्हाट 16, राइट 16. देन 3 इंटू 16 विल बी 48b, और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. सो दीज टू आर द इक्वेशंस व्हिच वी हैव टू सॉल्व. तो चलिए सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सॉल्विंग 1 एंड 2, 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1. देन वी हैव 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1. आप देख सकते हैं इक्वेशन जो है बहुत बड़े बड़े नंबर्स है. तो वन वे इज कि आप इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर दो. बट आई एम गोइंग टू चेक द एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम आता है 120. तो व्हाट आई थिंक कि मुझे एलसीएम पे रीच करना चाहिए दोनों के. तो 120 बनाना है इन दोनों को. इन दोनों का एलसीएम 120 है. अब मैं इन दोनों को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे ये दोनों 120 बन जाए. तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और 24 को 5 से कर दूंगा. देखिए आप, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप स्ट्रेट अवे 15 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड वाली को और 24 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाली को, तो उससे भी आंसर आ जाएगा. बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्गर होगी. तो यहां पे वो कैलकुलेशन पार्ट आपको दोबारा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना करना पड़े, इसलिए यू कैन सिंपली चेक द एलसीएम ऑफ बोथ और दोनों का एलसीएम बनाने के लिए सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 15 इंटू 8, दैट विल बिकम 128. 8 इंटू 60 विल बिकम 480b इज इक्वल टू 8. नाउ सेकेंड इक्वेशन को 5 से कर रहा हूं. 5 इंटू 24 इज 120. देन 5 इंटू 480 इज 240. Now 5 Now sign चेंज करेंगे, ये कैंसिल ऑफ, ये माइनस करेंगे आ रहा है 240b और ये माइनस करने पे आ रहा है 3. Now b की वैल्यू आ जाएगी 3 by 240, तो कटिंग होगी 1/80. बेटा ये 1/80 जो आई है ये b की वैल्यू आई है, इसे 80 मत लिख देना गलत हो जाएगा. अब मैं पहले b की वैल्यू किसी एक में पुट करके जो a है वो भी फाइंड कर लेता हूं. तो थर्ड इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं. फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी हैव 15a एंड देन वी हैव 16b. b इज दिस. आप देख सकते हैं कुछ कैंसिलिंग हो रही है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. देन 2 के टेबल से काटेंगे इसे. 15a, ये 3/4 बचा है, 3/4 को उस साइड पे ले जाएंगे. तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 4 - 3/4. So that means you have 1/4. So if I send this 15 to denominator of other side, we get a is equal to 1/60. Now, ये मेरे पास b की वैल्यू आ चुकी है और ये मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है. इन दोनों वैल्यूज का करना क्या है, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं दोबारा से. We have 1/x is equal to a and 1/y is equal to b, right? यही हमने assume किया था. यहाँ पे मैं a and b की values put कर रहा हूँ. a की value है 1/60 और b की value है 1/80. तो अब आप दोनों side का reciprocal करते हैं तो x is equal to 60 and y is equal to 80 आ जाता है. That means train की जो speed है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो बस है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है. आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग. आपको लग रहा होगा कि ट्रेन स्लो कैसे चल रही है बस से. सी बेटा, ये एक स्ट्रेट स्पीड नहीं होती है, ये एवरेज स्पीड होती है. हो सकता है कि जो बस है वो नॉन स्टॉप गई हो और ट्रेन जो है वो बहुत सारे बीच में स्टॉप्स पे रुक के जा रही हो. तो ऐसे केसेस, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं और भी. तो ये एवरेज स्पीड्स होती है, राइट? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है. व्हाट आई बिलीव, मुझे भी ये काफी ट्रिकी लगता था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था. तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है बट
इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, कई बच्चों से ही मुझे पता चलते हैं शॉर्टकट्स, तो वो जो शॉर्टकट है वो ट्रूली रिलायबल नहीं होते। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू वुमेन एंड फाइव मेन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन एंड वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो आपको दे रखा है कि कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसे दो वुमेन और फाइव मैन मिलके जब करते हैं तो 4 डेज में वो पूरा वर्क फिनिश हो जाता है, जबकि अगर थ्री वुमेन और सिक्स मैन उसी काम को फिनिश करते हैं तो 3 डेज में वो वर्क फिनिश होता है। अब आपको बताना है कि एक वुमेन अगर अकेली वही वाला काम फिनिश करेगी तो उसे कितने दिन लगेंगे, और एक मैन अकेला अगर उस काम को फिनिश करेगा तो हाउ मेनी डेज विल ही टेक। राइट, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं किस तरह से करना है। देखिए, जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा लंबा भी लगेगा, बट बिलीव मी करेक्ट वे यही है उस क्वेश्चन को करने का। चलिए करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन बी एक्स डेज। यहां पे टाइम जो है आवर्स में नहीं होगा, डेज में होगा, क्योंकि डेज के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन बी वाई डेज। तो हमने मान लिया कि एक वुमेन जब वो काम फिनिश करेगी तो उसे एक्स डेज लगेंगे, और एक मैन जब वो काम फिनिश करेगा तो उसे वाई डेज लगेंगे। अब एक और चीज हमने करनी है यहां पे, जो कि थोड़ा अनयूजुअल है, क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलता। लेट द अमाउंट ऑफ वर्क बी ए। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो है, मुझे नहीं मालूम कितना अमाउंट है, उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखिए। अब ध्यान से काफी सारी स्टेटमेंट्स आएंगी, थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल भी लगेगा ये क्वेश्चन, बट करने का वे यही है। करेक्ट, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन एक्स डेज। एक वुमेन एक्स डेज में कितना काम फिनिश करती है। हमने यहां पे अज्यूम किया था कि एक वुमेन जो है पूरा काम फिनिश करने में एक्स डेज ले रही है, तो इसका मतलब एक्स डेज में उसने पूरा काम खत्म कर दिया ना। अब वो जो कंप्लीट वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, वो ए है। सो दैट मींस वन वुमेन एक्स डेज में ए अमाउंट ऑफ वर्क फिनिश कर देगी, यानी टोटल अमाउंट फिनिश कर देगी। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो वुमेन जो है, सेम वुमेन, वो वन डे में कितना वर्क करती है। बेटा अगर एक्स डेज में ए अमाउंट है तो वन डे में ए बाय एक्स हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। राइट, अगर मुझे मान लीजिए एक कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क है, एक जैसे मुझे असाइनमेंट ही करना है, 10 पेजेस का असाइनमेंट है, वो पूरा असाइनमेंट अगर मुझे टाइम टाइप करने में 5 आवर्स लगते हैं तो 1 आवर में मैं कितना करूंगा, तो वो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 10/5 2 आ जाएगा। तो ये है, वन डे में एक वुमेन इतना काम खत्म कर लेती है। राइट, सो सिमिलरली अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे कितना होगा। बेटा देखिए, जैसे एक वुमेन को एक्स डेज लग रहे थे अमाउंट खत्म करने में, उसी तरह एक मैन को वाई डेज लग रहे हैं। राइट, तो इसका एक दिन का काम होगा ए बाय वाई। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी हैव, वी हैव कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, और एक मैन जो है वो एक दिन में कितना काम करता है। राइट, तो चलिए अब इसके बाद फर्स्ट केस में टू वुमेन और फाइव मैन का काम दे रखा है। ठीक है, तो मैं पहले एक काम करता हूं, मैं इसी को डिलीट करके पहले विमेन का, जितने भी विमेन है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेता हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, फर्स्ट केस में टू विमेन है तो मैं यहां पे लिखूंगा टू विमेन इन वन डे। तो अगर एक वुमेन को ए बाय एक्स अमाउंट ऑफ वर्क डन करती है एक दिन में, तो दो वुमेन मिलके उसका डबल काम करेंगी। राइट, डबल काम कितना होगा,
2a by x. So 2a by x is the amount of work done by two women in one day. So similarly, amount of work done by, first case mein kitne men hai? 5. So main likhunga 5 men in one day will be, तो उसी तरह वो 5a आ जाएगा और नीचे x की बजाय y आएगा क्योंकि मैन को एक मैन को वर्क फिनिश करने में y डेज लग रहे हैं, ये हमने अज्यूम किया हुआ है. तो नाउ व्हाट डू वी हैव, ये अब किसी इसकी कोई जरूरत नहीं हमें. वी हैव कि टू वुमेन मिलके एक दिन में कितना काम कर रही है और 5 मैन मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं. हमें बताया हुआ है कि ये दोनों लोग अगर मिल जाए तो 4 डेज में पूरा काम खत्म कर देते हैं. सो दैट मींस मुझे अब और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये मैं यहां से इरेज कर रहा हूं. सो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टू women and 5 men in 4 days. 4 days में 2 women और 5 men ने मिलकर पूरा काम खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था. वो कितना वर्क था, अमाउंट था a. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन बाय 2 women एंड 1 man इन 1 day कितना होगा, एक दिन में कितना काम होगा, a by 4. तो ये 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा. नाउ ये वैल्यूज को करना क्या है, मैंने क्या फाइंड की, एक बार मैं अब आपको दोबारा बताता हूं. मैंने फाइंड कर लिया है दो वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 5 मैन एक दिन में कितना काम करते हैं, और ये दोनों मिलके 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं. यानी कि ये 2 वुमेन का वर्क है, ये 5 मैन का वर्क है, और ये इन दोनों का कंबाइंड वर्क है. सो दैट मीन्स नाउ इन दोनों को एड करके इक्वल टू ये रख देना है. सो देयरफॉर 2 वुमेन का वर्क 2a बाय x प्लस 5 मेन का वर्क 5a बाय y इज इक्वल टू इन दोनों का कंबाइंड वर्क विच इज a बाय 4. राइट, तो ये हो गया बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब यहां से मुझे a को एलिमिनेट कर देना है, मैं ये इरेज कर रहा हूं. So dividing the whole equation by a, so this will become 2 by x plus 5 by y is equal to 1 by 4. मैं इसको equation number 1 मानूंगा अभी, ठीक है. अब इसके बाद second equation भी बनानी है अभी हमें, जिसमें 3 women और 6 men मिलके 3 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं. अब ये equation बनाने के लिए tension मत लो बेटा, दोबारा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हम similarly लिख के इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना देंगे. तो जैसे पहले केस में 2 वुमेन थी, सेकंड केस में 3 वुमेन है, तो ये बन जाएगा 3 बाय एक्स. जैसे फर्स्ट केस में 5 मैन थे, अब 6 मैन है, तो ये बन जाएगा 6 बाय वाई. जैसे फर्स्ट केस में 4 डेज लग रहे थे तो 1 बाय 4 लिखा था, इन दिस केस दे आर टेकिंग 3 डेज तो हम लिखेंगे 1 बाय 3. तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो काम आप खुद आई थिंक कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट दे सकता हूं. आप पुट कर लेंगे 1 बाय एक्स को ए और 1 बाय वाई को बी, जस्ट लाइक हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 बाय 4. आप 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और यहां पे बन जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 बाय 3. आप 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, देन दीज टू इक्वेशंस will be formed. आप उनको नंबर 3 और नंबर 4 लिख सकते हो equations को, और दोनों को सॉल्व करके a और b फाइंड करिए और फिर इनसे कंपेयर करके जस्ट लाइक हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था आप x एंड y फाइंड कर लेंगे. मैं यहां पे सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं एंड आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी इतनी लंबी हो जाए कि आप लोगों को देखने में थोड़ी सी बोरियत हो जाए, ठीक है. तो वैसे ऑलरेडी भी बहुत लंबी होने ही वाली है ये वीडियो. तो चलिए ये क्वेश्चन अब आप कंप्लीट कर लेंगे. वी आर मूविंग ऑन टू ये क्वेश्चन. देखिए, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. सी आपने
कभी भी जब रिवर देखी होगी या आप जानते ही होंगे अगर नहीं भी देखी कि रिवर में जो वाटर होता है वो फ्लोइंग होता है राइट तो फ्लोइंग वाटर को हम बोलते हैं स्ट्रीम राइट स्ट्रीम पानी की लहरें पानी का बहाव उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम तो जब भी बोट पानी के बहाव की साइड में जाएगी जैसे पानी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड बोट भी उसी डायरेक्शन में अगर आप चला रहे हैं तो दैट मींस उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम राइट सो इफ यू आर ड्राइविंग योर बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम तो उस केस में उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम और अगर आप बोट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें ऑब्वियसली आप पानी की डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर पाएंगे तो अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट जो है वो ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम आपने कुछ और वर्ड्स भी सुने होंगे अपहिल डाउनहिल अपहिल का मतलब होता है चढ़ाई करना डाउनहिल का मतलब होता है नीचे उतरना राइट तो अगर इसी तरह अपस्ट्रीम का मतलब है पानी के बहाव के अगेंस्ट आपको मूव करना जब हो तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम नाउ दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम योर स्पीड विल बी मोर एज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल एड अप इनटू योर स्पीड अगर आप तैरते भी हैं या बोटिंग करते हैं अगर आप डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं तो पानी की जो लहर है पानी का जो फ्लो है दैट विल एड अप टू योर स्पीड उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड उसी का उल्टा क्या होगा अगर आप अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो जो पानी की स्पीड है वो आपको अपोज करेगी तो आपकी नेट स्पीड जो है वो कम हो जाएगी नॉर्मल से तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट है आपसे क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी जब पानी स्टिल हो ऑब्वियसली रिवर के अंदर नहीं होगा तो पानी अगर स्टिल है उस टाइम पे बोट की जो स्पीड है वो निकालनी है और पानी के बहाव की स्पीड निकालनी है सो लेट स्पीड ऑफ बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर ये जो है स्टिल वाटर में राइट स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हमने एक्स मानी है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम को हम करंट भी बोलते हैं बी वाई किलोमीटर पर आवर अब एक चीज यहां पे जो कि काफी ऑब्वियस है वो ये कि बोट की जो स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा ही होगी बिकॉज अगर ज्यादा नहीं है तो आप कभी भी अपस्ट्रीम में रोइंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि रोइंग करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड ही ज्यादा होगी सो दैट विल टेक यू अलोंग ठीक है तो बोट की स्पीड जो है ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी स्ट्रीम की स्पीड से अब ये बताइए कि स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम कितनी होगी अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड नॉर्मल से कम हो जाएगी ये आपकी नॉर्मल स्पीड है बोट की नॉर्मल स्पीड अपस्ट्रीम में पानी का जो करंट है दैट विल अपोज यू सो योर स्पीड विल बी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड एड हो जाएंगी जो पानी का फ्लो है जो पानी का करंट है दैट विल बी एडवांटेज टू यू तो उस केस में x प्लस वाई ये हो जाएगी स्पीड्स नाउ इस क्वेश्चन में भी जैसे अभी हमने वो पीछे ट्रेन एंड बस वाला क्वेश्चन किया था उसी के जैसे यहां पे भी दिया हुआ है अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर ऐसा करने में 10 आवर्स लगते हैं तो यहां पे भी हमें टाइम दे रखा है तो अगेन आई विल यूज अ फॉर्मूला फॉर टाइम टाइम की इक्वेशन बनाऊंगा विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो फर्स्ट केस में इन फर्स्ट केस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग अपस्ट्रीम कितना होगा 30 टाइम टेकन 30 इज द डिस्टेंस एंड स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई तो ये है जब आप 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे होंगे तो इतना टाइम लगेगा प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाना है ना तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड है एक्स प्लस वाई ऐसा करने पे टोटल टाइम आपको लग रहा है 10 आवर्स सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन तो ये फर्स्ट केस है अब ऐसे ही इन सेकंड केस 13 आवर्स लग रहे हैं जिसमें आप 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर रहे हैं सो दैट विल बिकम
40 upon x minus y plus 55 upon x plus y is equal to 13. So this is equation number 2. Now इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मेथड तो वही है ए और बी लेट करने वाला, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं आपको ये कंप्लीट करवाता हूं क्वेश्चन. तो अगेन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो यहां पे क्या एजम्पशन लेनी है, मैं लेट कर लेता हूं 1 अपॉन x प्लस y को, सॉरी 1 अपॉन x माइनस y को a एंड 1 अपॉन x प्लस y को b. आप इसको a और इसको भी b ले सकते हो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13. तो स्ट्रेट अवे इन्हीं को सॉल्व करते हैं हम इक्वेशंस को. चलिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर लेंगे. इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे 30 और 40 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट 4 से कर दूं, बिकॉज इन दोनों का एलसीएम जो है 120 है, ठीक है, और सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो आई एम सॉल्विंग 2, 3 एंड 4. सो फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 4 विल बिकम 120a, देन दिस विल बिकम 176b एंड दिस विल बिकम 40. So 3 into 40 will be 120, then 55 into 3 will be 165, then 13 into 3 will be 39. So on subtracting the second equation, what we are getting, ये cancel हो रहा है, ये दोनों को minus करेंगे तो 11b आ रहा है, इन दोनों को minus करके 1 आ रहा है, तो that means b की value है 1/11. So now I have the value of b, किसी एक equation में substitute करके मैं a की value भी find कर लूँगा. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहा हूं. दिस इज 30a प्लस 44b, तो b की वैल्यू 1/11 है, इज इक्वल टू 10. नाउ आप देख सकते हो 11 जो है वो 44 से कैंसिल होगा 4 पे, देन ये वाला 4 उधर जाके 10 में से माइनस हो जाएगा, सो 6 बचेगा, और ये 30 जो है 36 के नीचे गया और ये कैंसिल होके 1/5 आ जाएगा. तो a की वैल्यू है 1/5 और b की वैल्यू है 1/11. अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं. आई एम अगेन इरेजिंग दिस, ये b की और a की वैल्यू छोड़ देता हूं. अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस. वी हैव 1/x माइनस y इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस y इज इक्वल टू b. a की वैल्यू है 1/5, सो यहां पे मैं 1/5 डाल दूंगा, और b की वैल्यू है 1/11. अब मैं दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 5. एक और इक्वेशन आ गई, इसको मुझे इक्वेशन नंबर 5 लिखना पड़ेगा, और इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 11. ये आ गई इक्वेशन नंबर 6. अब ये दोनों इक्वेशंस आप देख सकते हैं बहुत इजी है, सिंपल इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. अब तो सॉल्विंग 5 एंड 6 इक्वेशन, सो x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 11. आप स्ट्रेट अवे y को कैंसिल कर सकते हैं, 2x की वैल्यू आ रही है 16, तो x आ जाएगा 8, राइट. तो अब मैं यूज करता हूं 6th इक्वेशन को, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया, मैं चेंज करता हूं इसको जल्दी. तो x की वैल्यू 8 है, 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आ जाएगा 3. सो दैट मींस जो बोट है, बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एंड जो करंट है यानी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर इन 3 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट. तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए. तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले. अगर आप क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, अपनी फिजिकल क्लास में अटेंड किए होंगे, तो ये टीचर्स बोलते हैं इन क्वेश्चंस को कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इंडीड दे आर. तो इस क्वेश्चन पे बेस्ड और भी कई क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है बुक में, तो आप उनको भी ट्राई करिएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. So that means ek train jo hai wo pahunchi hai ek apne destination pe ek uniform speed se.
अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आर फास्टर स्पीड पे जाती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी नॉर्मल स्पीड अगर 60 है, तो अगर वो 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है तो उसे 2 आवर्स लेस लगने थे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। और अगर वो 10 किलोमीटर पर आर स्लोअर हो जाए तो ऐसे में उसे 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उस ट्रेन से, ठीक है? तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन निकालना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें भी देखे होंगे आपने, या उसमें देखेंगे अगर आपने अभी नहीं किया है तो ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होते हैं, बट ये लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड और टाइम के रिलेशन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। स्पीड अगर कम हो जाए तो टाइम बढ़ जाता है, स्पीड अगर ज्यादा हो जाए तो टाइम कम हो जाता है। दैट मीन्स हमें इसका फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट टाइम लेना हमें, टाइम टेकन बी y आवर्स, ठीक है? तो ये यूजुअल टाइम है, जितना यूजुअली टाइम लगता है, जो स्केड्यूल टाइम है वो है y, ठीक है? तो अब देखिए बेटा क्या हुआ है। पहले केस में ट्रेन की स्पीड बताया कि अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दें तो ऐसे में उसे 2 आवर्स कम लगेंगे। तो अगर मैं x को 10 इंक्रीज कर देता हूं और टाइम उस केस में 2 आवर्स लगेगा, तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डेस्टिनेशन से आगे नहीं निकल जाना बेटा, डेस्टिनेशन वही है, वहीं पे पहुंचना है, ठीक है? आपको अगर याद हो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला था, जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस कर रहे थे तो उससे एरिया चेंज हो रहा था। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बट यहां पे सामने जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो आपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो उससे टाइम जो है 2 आवर्स कम हो गया, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो सामने हमने डिस्टेंस रखा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बिकम एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। देन यू कैन सी कि एक्स वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 या इज इक्वल टू 20 उधर ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग इट बाय 2 जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो बन जाएगी माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड केस कैसा बनेगा? सेकेंड केस में बताया कि अगर स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आर कम कर दी जाए, स्लो, तो x माइनस 10 कर दिया तो ऐसे में ऑब्वियसली टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो टाइम में 3 आवर्स प्लस कर दिया तो ऐसे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल रिमेन सेम, ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देख सकते हैं xy से xy तो कैंसिल हो जाएगा, सो 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इजिली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उससे x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आई वॉन्ट कि वो क्वेश्चन आपको मैं जरूर दूं देने को, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाता है। तो मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको वही क्वेश्चन देता हूं, वो मैं बट सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है और ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका आंसर खुद फाइंड करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ठीक है? आपने देखा ही होगा जैसे रोज में कई बार असेंबली में या कहीं और आपने खड़े हुए होंगे आप। तो इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो अगर हम पहले कुछ नंबर ऑफ रोज बना दिए, अगर हम हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें तो उससे 1 रो कम हो जाती है। और ऐसे बताया कि अगर हम हर रो में से 3 स्टूडेंट्स को कम कर देते हैं तो ऐसे में 2 रोज एक्स्ट्रा बन जाएंगी। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हिंट, अगर आप चाहते हैं
तो इतना जरूर बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। जैसे वहां पे स्पीड और टाइम को आपने एक्स और वाई लिया था और उसे इक्वल टू डिस्टेंस ले लिया था, डिस्टेंस एक्स इंटू वाई हो गया था, वैसे यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक्स इंटू वाई होगा। अब आप खुद सोचिए कि एक्स किसे लेना है और वाई किसे लेना है, सोच सकते हैं क्या आप? चलिए मैं आपकी यहां पे थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। एक्स आप ले लीजिए कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वाई आप ले लो नंबर ऑफ रोज। एक स्टूडेंट में अगर 10 स्टूडेंट, एक रो में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ रोज 4 है, तो क्या आप बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? यस, 10 स्टूडेंट एक रो में है और 4 रोज है, तो 10 इंटू 4 40। तो सेम वे में एक्स इंटू वाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पता चल जाएगा। अगर आप एक्स लेते हैं किसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, और वाई किसको लेंगे आप, नंबर ऑफ रोज। तो अब आप इसका इसका सॉल्यूशन निकालिए और मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, मैंने आपके लिए थोड़ा सा असाइनमेंट जो है वो एक्सटेंड कर दिए। सो हेयर आर 3 मोर क्वेश्चंस विच आई वुड लाइक कि आप लोग अटेम्प्ट करें, और कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ इट्स 5 चिल्ड्रन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कर रखे हैं, एज वाले कर रखे हैं हमने ऑलरेडी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे फादर के 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, और फादर की जो प्रेजेंट एज है वो इस वक्त जो उसके 5 चिल्ड्रन है उन सभी की एजिस का सम है। 12 ईयर्स बाद जो चिल्ड्रन के एजिस का सम होगा वो ट्वाइस हो जाएगा फादर की एज से। तब आपको प्रेजेंट एज बतानी है फादर की क्या होगी। तो यहां पे मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप फादर की एज को एक्स लीजिए और पांचों चिल्ड्रन की एज को कंबाइंड उनके सम को वाई लेना है, ठीक है। तो आप एक्स किसको लेट करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और वाई किसको लेट करेंगे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, उसको वाई ले लेना है। 5 वाई नहीं लेना, सिर्फ वाई लेना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्ट बन जाएगी, दो फादर की जो एज है वो पांचों बच्चों की एज के इक्वल है, सम के इक्वल, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। फिर बाद में बात की जा रही है 12 ईयर्स हेंस, 12 साल बाद, पर 12 ईयर्स हेंस इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए, दोनों तरफ 12 ऐड होता था, बट यहां पे ध्यान रखिएगा फादर की एज में 12 एज ऐड करेंगे, जबकि पांच जो चिल्ड्रन है उनकी एज में 5 इंटू 12, 5 बार 12 ऐड होगा, क्योंकि ऑल 5 चिल्ड्रन विल गेट ओल्डर बाय 12 ईयर्स। तो उस साइड पे जहां पे चिल्ड्रन की एज होगी वाई सम ऑफ द एजेस, उसमें 60 ऐड होगा, 12 इंटू 5, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10th डिजिट ऑफ अ यूनिट 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन द यूनिट डिजिट। आपको मालूम है 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस में टेंस वाली डिजिट को हम एक्स लेट कर सकते हैं और यूनिट वाली को वाई लेट कर सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट दे रखा है कि जो टेंस प्लेस में डिजिट है यानी कि जो एक्स है वो वाई से 7 ज्यादा, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको दिया सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/9 ऑफ द नंबर, नंबर आपने लिया होगा 10x+y, अगर आपने टेंस प्लेस पे x को लिया और यूनिट प्लेस पे y को लिया, तो उस केस में x+y इज इक्वल टू 1/9 ऑफ 10x+y, तो इस तरह बन जाएगी क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, बट इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर में आपने पहले नहीं देखा, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें एंगल ए की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ वाई, एंगल बी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वाई, एंगल सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड एंगल डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है। आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी कि चारों एंगल्स ए बी सी डी। अब इसके लिए आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती थी, आई होप आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ रखी है कि द सम ऑफ द ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, यानी जो पेयर ऑफ ओपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो आप क्या करेंगे, ए और सी इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 180 रखेंगे, तो एक्स एंड वाई की एक इक्वेशन आ जाएगी, और सेम वे में बी एंड डी का सम भी 180 होगा क्योंकि ये ओपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहां से एक्स एंड वाई की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। बोथ द इक्वेशंस जब आपके पास आ जाएंगे यू विल सॉल्व देम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जब एक्स एंड वाई आ जाएगा तो यहां पे वाई की वैल्यू डालने पे एंगल ए आ जाएगा,
यहां पे वाई की वैल्यू डालने से बी आ जाएगा, ऐसे ही इन दोनों में एक्स की वैल्यू डालने से सी और डी भी एंगल्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे होंगे, बट इनको दोबारा जरूर करके देखना। कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चंस आल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।